नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर उनका रवैया हाकिम वाला, जाबराना, आमराना नहीं था। जब कुर्रा निकाला, एक दिन हजरत आयशा का कुर्रा निकला, हजरत आयशा को साथ ले गए। और यह भी अजीब किस्म की हुश्की मुआशरे में पाई जाती है, हुश्की पाई जाती है। लोग यह समझते हैं दीन का मतलब यह है जहां हलाल रिश्ता है वहां भी इजहार मोहब्बत, वहां भी फ्रेंकनेस, वहां भी बातचीत, वहां भी जो काम वहां करने के हैं, हम इतने बेजमीर हो चुके हैं वो वहां नहीं करते। लेकिन हराम रिश्तों के साथ सौ सौ मैसेजेस हो रहे होंगे, इजहार मोहब्बत भी हो रहा होगा, उनके साथ आउटिंग भी हो रही होगी, उनके साथ खाना खाने भी जाने की तैयारी और प्लानिंग हो रही होगी। और नबी करीम इस रिश्ते के साथ अगर खेलना कूदना, जिसको आजकल नऊज़ बिल्लाह लोग पिकनिक डेट इस तरह की बातें करते हैं, ये काम अगर करना है तो जो अल्लाह ताला ने हलाल बीवियां दी हैं नबी की जिंदगी में, उस वह नबी करीम आयशा को कहते हैं, साहबा को साइड पे काफिले में पूछे गया, कहा आयशा आओ दौड़ लगाते हैं, आओ दौड़ लगाते हैं। हजरत आयशा ने दौड़ लगाई, दुबली पतली थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे निकल गई। फिर एक अरसा बीत गया, सात आठ बरस का, दोबारा कुर्रा हजरत आयशा के नाम में निकला, कहा आयशा अब दौड़ फिर लगाते हैं। सात आठ बरस बीत चुके, आयशा ने कहा मुझे याद भी नहीं था। कहते हैं उस वक्त मैं थोड़ी सी भारी हो चुकी थी, उम्र बीत चुकी थी, नबी करीम ने मेरे साथ दौड़ लगाई, नबी करीम आगे निकल गए, नबी करीम हंसना शुरू हो गए, मुस्कुराना शुरू हो गए। कहा आयशा तेरा मेरा हिसाब बराबर हो गया, एक दफा तूने मुझे शिकस्त दी थी, अब के मैंने तुझे शिकस्त दे दी। अज़वाज मुतहरात बीवियों के साथ ये मामला आपका और मेरा, गौर कीजिए घर में है, अगर नहीं है तो घरों के टूटने की, बर्बादी की बहुत बड़ी वजह यह भी है कि हमने अख़लाक़े नबवी के सिर्फ नाम लिया है, अहादीस रसूल का सिर्फ नाम लिया है, अपने ऊपर वो अख़लाक तारी नहीं किया। हम समझते हैं घर की जरूरियात पूरी कर लेने से बात खत्म, बच्चों की जरूरियात पूरी कर लेने से बात खत्म, उनको टाइम नहीं देना, उनको वक्त नहीं देना। नबी करीम की सही अहादीस से साबित है, नबी करीम फजर के बाद भी, असर के बाद भी अपने घर में अच्छा खासा लंबा टाइम दिया करते थे। यही वजह है अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को अपनाएंगे हमारे हालात बदल जाएंगे। नबी करीम हजरत आयशा का बेटा नहीं था, कोई औलाद नहीं थी, तो उनको पता क्या कहा करते थे उनका दिल रखने के लिए, उम्मे अब्दुल्ला, उनकी दिल लगी करते थे कि कहीं इसके जहन में बे औलादी का कोई गम ना आ जाए। और आयशा के दिल में क्या गम आना, और हजरत आयशा बयान करती, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और पहलू है उनकी जात का, यह नहीं कि सिर्फ दिल रखा, हकीकत में भी अपनी अजवाज के साथ वफादारी का ताल्लुक था। अल्लाह की कसम हजरत आयशा बयान करती है, नबी करीम से, नबी मोहतरम से ज्यादा वफादार हामद कोई हो ही नहीं था सकता। वजह क्या है, कहते हैं एक अरसा बीत चुका था, हजरत हदीजा की उम्र भी बड़ी थी, मैं कम उम्र थी, हजरत हदीजा उधेड़ उम्र थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं हजरत हदीजा का इतना जिक्र सुनती थी, इतना जिक्र सुनती थी, मुझे अपनी किसी सौतन के ऊपर रश्क नहीं था आता, मैं किसी सौतन से इससे ज्यादा नहीं थी जलती। आपको पता ये रिश्ता ऐसा है, इसमें कड़वाहट होती है। कहती है लेकिन हजरत हदीजा का नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना कसरत से लेते थे, मेरे दिल में जलन पैदा होना शुरू हो जाती। लेकिन ये जलन का मतलब ये नहीं कि नऊज बिल्ला अम्मी आयशा ने कोई इमानत में हयानत की हो। आपको पता है हजरत हदीजा के फजाइल की जितनी हदीसें हैं उनमें से 90% हजरत आयशा ने मरवी की। ये नहीं किया कि बखीली का मुजाहरा किया हो, हजरत हदीजा के फजाइल की हजरत आयशा खुद बयान करती हैं खुद, कि एक मरतबा हजरत हदीजा की बहन आई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर आने की इजाजत मांगी। कहती है मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रही थी, जब उन्होंने अस्सलामु अलैकुम कहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीजा की आवाज याद आ गई। उन्होंने कहा कौन, खदीजा? नहीं नहीं, हदीजा तो दुनिया से चली गई है, ये उसकी बहन है। कहते हैं नबी करीम की आंखों में पानी था, नबी करीम की आंखों में आंसू थे बीवी के चले जाने के बाद। कहती है जब भी ईद आती
मुझे कहते, घर वालों को कहते, हदीजा की फलां सहेली के घर गोश्त भेजो, हदीजा की फलां सहेली को याद करो। हमारे घर में एक औरत आती थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको प्रोटोकॉल दिया, प्रोटोकॉल, खड़े हो गए, इज्जत एहतराम से मिले, कहा हमारे आने के बाद कैसी हो, कैसी गुजर बसर हुई। मैंने कहा आपने आज तक किसी औरत को इतना प्रोटोकॉल नहीं दिया जितना इस औरत को दिया। तो नबी करीम ने कहा पता आयशा ये कौन है, जब हदीजा और मैं एक घर में रहते थे ये तब से हमारे घर आती थी। बस हदीजा के घर आना जाना था, उस निस्बत की वजह से हजरत हदीजा को प्रोटोकॉल दे रहे हैं। और हजरत हदीजा के फजाइल के बारे में अगर इंसान गुफ्तगू करे, नबी करीम खुद फरमाते हदीजा ने उस वक्त मुझे माल दिया जब लोग मुझे माल मेरे से माल रोका करते थे, हदीजा ने मेरे साथ ये किया, हदीजा ने मेरे साथ ये किया, हदीजा ने मेरे साथ ये किया। एक मरतबा कैद के अंदर, कैद के अंदर कैदी आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा एक हार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हार देखा, आंखों में आंसू आ गए, याद आया ये तो हदीजा का हार है, ये तो हदीजा का हार है, ये तो हदीजा का हार है, पहना, बीवी का हार याद आ गया। कहा मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करता लेकिन मुझे ये लगता है ये मेरी बेटी ने अपने शोहर को यानी अब मेरे दामाद को आजाद करवाने के लिए हार भेजा है, अगर तुम कहते हो तो मैं ये हार अपनी बेटी को वापस कर दूं। और लोगों ये नबी है, ये अखलाक है, अपने कैदी को सहाबा से पूछ के आजाद करवा रहे हैं, अपनी ही बेटी का हार जो फिदिये के तौर पे आया हुआ है अपने ही दामाद को आजाद करवाने के लिए, वो भी सहाबा से पूछ के आजाद करवा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने दवाजे मुतहरात के साथ जो ताल्लुक था, अगर मैं और आप उस ताल्लुक को इख्तियार करें, अल्लाह की कसम घरों से लड़ाइयां खत्म हो जाएं, घरों से लड़ाइयां खत्म हो जाएं।